पराक्रम। कई बार ना हम हौसला हार जाते हैं। बड़ा काम करने का साहस करो, बड़ा काम करने का साहस करो, छोटी छोटी बातें मत सोचो। आदरणीय कलाम साहब एक बात कहते हैं, और ये बात मैं बहुत अरसे से कहता आया हूं, छोटे उद्देश्य के लिए जिंदगी को जीना ये जीवन का अपमान है। छोटी छोटी बातों के लिए जीते हो। मैं भी यदि छोटा सोचता तो आज गांव में हल चला रहा होता। मैं हल चलाना जानता हूं, अभी भी मैंने बैल का भी हल चलाया, ऊंट का भी चलाया है। मैं ट्रैक्टर चलाना भी जानता हूं, मैं फावड़ा चलाना भी जानता हूं, आज भी चलाता हूं, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती है। मैंने गाय भैंस का गोबर भी उठाया है और सिर से उठाया है, तसले में भर भर के 10-10, 15-15 किलो। छोटा था तब यहां बीच में गड्ढा हो गया था, इतना गोबर उठाया है। मैं उसको छोटा काम नहीं मानता हूं, लेकिन आपसे एक बात कहता हूं, जिंदगी में सारे काम करो लेकिन इतना बड़ा सोचो और इतनी मेहनत करो कि दुनिया कहे कि भाई ये है रोल मॉडल, ये है आइकॉन, ये है इस सदी का महानायक। ऐसा बन सकते हो, और ऐसा बनने के लिए आपके माता पिता ने एनएच गोयल स्कूल में बच्चों को भेजा है। आप ऐसा बनिए, हौसला रखो, हिम्मत करो, शौर्य, पराक्रम, बहादुरी, जिद करो, और दुनिया जीतो। आजकल तो बहुत चल रहा है शगुफा, छोटा मत सोचो कभी भी जिंदगी में। मैंने कहा मैं छोटा सोचता तो गांव की सीमा से बाहर ही नहीं जाता। जब मैं घर से बाहर निकला तब कितने ताने सुने, जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया। सन्यासी बना तब कितने ताने सुने। फिर जब योग शुरू किया, मैंने विरासत में कुछ नहीं पाया कि किसी बड़ी गद्दी पर बैठ गया कि शंकराचार्य की पीठ थी, कोई सिद्ध पीठ थी, वहां बैठ गया। मैं जहां बैठा था वहां तो बैठने के लिए एक छोटा सा कमरा था, टूटा फूटा। आज मैं जहां खड़ा होता हूं, लोग कहते हैं जब मैं जहां शुरू की मैंने जीवन की यात्रा, तब बस पैर टिकाने के लिए बस थोड़ी सी जमीन थी। आज मैं जहां खड़ा होता हूं, लोग कहते हैं सारी जमीन बाबा की है। मेरे बारे में बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें सुन रखी होंगी, बाबा योगी तो है, ये तो बात ठीक है, लेकिन मोस्ट कंट्रोवर्शियल बाबा स्वामी रामदेव। किस बात की कंट्रोवर्सी भाई? हमने किसी की छोरी छेड़ रखी है भाई, हमने किसी की चोरी कर रखी है भाई, हमने कोई गलत काम कर रखा है? कोई गलत काम नहीं कर रखा। हमने इस देश में काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवाज उठाई। हमने इस देश में विदेशी कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाई। हमने जहां भी इनजस्टिस देखा वहीं अपनी आवाज बुलंद की। यदि ये कंट्रोवर्सी है तो ये तो हम जिंदगी भर करेंगे। बाकी और कोई गलत काम नहीं किया। हां, आज भी जमीन पर सोते हैं, गद्दे पर भी नहीं सोता। मेरी जिंदगी का असूल है, मैं आपसे भी कह रहा हूं, यदि आपको लगे मेरी बात अच्छी तो आप भी इसको अपना लेना अपने लिए। क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता? उतने में गुजारा करता हूं। जब मैं 5 रुपए वाले पेन से लिख सकता हूं तो मैं 50,000-1,00,000 रुपए का पेन यूज नहीं करता हूं। आजकल यंगस्टर्स में ब्रांडेड पेन्स का ऐसा क्रेज है, उसको वो सामने दिखाने के लिए रखते हैं ऐसे। अरे भैया, तेरे अंदर नॉलेज कितना है, तेरे भीतर कितनी ताकत है। आज मेरे सिग्नेचर में ताकत है, मैं सिग्नेचर करूं तो मैं 1,000 करोड़ रुपए किसी को दे सकता हूं। ये मेरे सिग्नेचर की ताकत है। पेन मेरा 5 पैसे का या 5 रुपए का, इसकी कोई मतलब नहीं है। 5-5 करोड़ की घड़ियां लोग पहनते, मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं। अरे तुम्हारे पास में 5 करोड़ की घड़ी है, 5 लाख की घड़ी है, महत्व नहीं है। तुम समय के कितने पाबंद हो और तुमने अपने कम जिंदगी में, कम समय में तुमने ज्यादा जिंदगी में क्या अचीव किया है, इसकी ताकत है। क्या ब्रांडेड घड़ी खरीदने की जरूरत है? ये सब चौचले हैं। अरे बाप की कमाई से कभी भी घड़ी खरीदते हो तुम्हें लानत है। बाप की कमाई से तुम गाड़ी खरीदते हो ये तुम्हारी शोहरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि बाप की कमाई पर मौज मस्ती नहीं करना, और दूसरी बात यह, तुम ज्यादा कमाई करो तो उससे भी मौज मस्ती नहीं करना, किसी गरीब की सेवा कर देना, उससे तुम्हें जिंदगी में बहुत खुशियां मिलेगी। आज पतंजलि योगपीठ जिस धरातल पर खड़ा है, हम सामाजिक
धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक चुनौतियों को फेस कर रहे हैं। और तो लास्ट बात उन्होंने खत्म की कि फेस करो और उसमें अपने आप को स्थापित करो। खाली बात कहने से बात नहीं बनेगी, आपको करके दिखाना पड़ेगा। लोग कहते थे स्वदेशी की बातें पुरानी हो चुकी हैं। मैंने भी अपने बचपन से लेकर के और इस संस्थान के निर्माण तक करने से पहले तक देखा कि लोग स्वदेशी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्वदेशी को कोई खड़ा तो नहीं कर रहा, कोई चुनौती तो नहीं दे रहा उन विदेशी कंपनियों को। लोग योग और अध्यात्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसको उनको चुनौती तो नहीं दे रहा कोई खड़ा होकर के। तो हमने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात ही नहीं की, आज हम पूरी दुनिया को चुनौती दे रहे हैं कि श्रेष्ठ क्या है। उसको हम खाली शब्दों से नहीं कह रहे हैं, उसका हमने व्यवहारिक मॉडल दिया। इस रूप में आपको आगे खड़ा होना है। जमीन में तेल है, जमीन में मिठास है, जमीन में सारी सुगंध है, सारे पुष्प खिलते हैं। ऐसे ही हर बच्चे में सारी सुगंध है, सारी मिठास है, सारे गुण है। जमीन की तरह है हमारा दिमाग, हमारी जिंदगी। इसलिए इस शरीर को भी क्षेत्र कहा है और इस जमीन को भी क्षेत्र कहा है। तो जब प्रतिभा सब में एक जैसी है, सामर्थ्य सब में, शक्ति सब में एक जैसी है, तो फिर ये पैदा क्यों नहीं होता अंदर से? तो मैं एक बच्चे से बात कहता हूं, टैलेंट तो है लेकिन साइलेंट है, टैलेंट तो है साइलेंट है, तो क्या करें पुरुषार्थ? एक प्रतिभा, मैंने कहा उसको जागृत करने के लिए पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। मन उसमें खो जाओ, समाहित हो जाओ। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में पूरे खो जाओ। ये नहीं कि पढ़ाई करते समय कार्टून याद आ रहा है, पढ़ाई करते समय क्रिकेट याद आ रही है, पढ़ाई करते समय और कोई दूसरी तीसरी फेसबुक याद आ रही है और कोई ट्विटर याद आ रहा है, कुछ नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करो, उसमें खो जाओ। सारी बुक आपको ऐसे उतर जाएगी जैसे स्कैन करते हैं। मैंने तो किया है, मैंने करीब करीब 10 से 15 हजार सूत्र याद किए, 10 से 15 हजार। और एक बार तो एक मन में ऐसा हो गया कि मुझे बहुत जल्दी याद करना है, तो मैंने 2000 वर्ब्स होती हैं संस्कृत में, वो 2000 धातुएं शायद 10 या 14 दिन में याद किए मैंने। आप कीजिए, उसमें खो जाइए तो सारा स्कैन होता चला जाएगा। पूरा कंसंट्रेट कीजिए, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं खुद को तो थोड़े डीप ब्रीदिंग कीजिए, ऑक्सीजन से ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन हो जाता है। पुरुषार्थ, उसमें खो जाओ, स्कैन हो जाएगी पूरी बुक, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सारी विज्ञान आपको भीतर से ही है। ये कोई इंसानों ने तो लिखे हैं, कोई फरिश्ता आकर के, कोई खुदा आकर के थोड़ी किताब लिख के गया। आप लोग, अरे वो आदमी भी तो थे जिन्होंने साइंस की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, ये सारी किताबें लिखी। अरे जब आदमी किताब लिख सकता है तो हम क्या पढ़ भी नहीं सकते? क्या इतनी भी शक्ति हमें नहीं है? ये हौसला होना चाहिए कि जो लिखने वाले आदमी थे, तो मैं तो उनकी लिखी हुई बातें पढ़ रहा हूं, मेरे अंदर तो भगवान ने बहुत शक्ति दी है। स्वामी रामदेव इतना सब कुछ काम करते हैं, आपका ट्रैवल भी इतना होता है, आप हमेशा, आप जिसे कह सकते हैं ऑन द मूव रहते हैं, तो आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं, अपने माइंड को अनक्लटर कैसे करते हैं, अपने माइंड को आप समझाते कैसे हैं? ये मैंने योग तो समझा, योग प्राणायाम तो समझा, बट उसके अलावा क्या? एक तो मैं सुबह उठते ही अपने महापुरुषों का ध्यान करता हूँ 1 सेकंड के लिए, और फिर अपना ट्रैक पकड़ लेता हूँ कि मुझे उसी रास्ते पर बढ़ना है जिस पर भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद चले। दूसरी बात, सब कुछ करते हुए बार बार इस बात का स्मरण हमें रहता है कि सब कुछ करने की शक्ति भगवान दे रहा है, तो एकदम रिलैक्स रहते हैं कि जो कुछ परिणाम है भगवान के चरणों में सौंप दिया, भाई रिजल्ट जो भी आए, तो भगवान का ज्ञान, भगवान की प्रेरणा, भगवान की शक्ति, भगवान की विभूति, भगवान का ऐश्वर्य, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो ये इस बात का ध्यान रखते हैं तो
भीतर से पूर्ण शांत रहते, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहते हुए भी कोई भी इसको अडोप्ट कर सकता है कि सब कुछ भगवान का है, मैं निमित्त मात्र हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। खैर, देखो भाई, हम जिस स्कूल में पढ़े वो इतना बड़ा तो नहीं था, इतना भव्य नहीं था। स्कूल में 3-4 कमरे थे, वो भी बरसात में चुआ करते थे, दिन में वहां चमगादड़ आ जाते थे और रात को कुतिया घुस जाती थी। ऐसे स्कूल में हम लोग पढ़े। मैं आज योग, आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ब्लैक मनी, करप्शन, पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे हम चेंज करें, कैसे हम जो है देश के अंदर पुलिस सुधार से लेकर के, न्याय क्षेत्र में सुधार से लेकर के, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म, तमाम बातें करता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, बाबा जी आपका एजुकेशन कहाँ पर हुआ है, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है? मैंने कहा, भाई देखो, हम तो जब गांव में थे तब शीशम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े, और जब स्कूल में थे तब पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़े। पढ़ते समय बुक हम सेकेंड हैंड खरीदते थे, लेकिन क्लास में पोजीशन फर्स्ट हुआ करती थी, ऐसा मैं बच्चों को देखना चाहता हूं। आपके पास में संसाधन कितने हैं ये कोई बात महत्वपूर्ण नहीं होता है। अभाव और संघर्षों के बीच में भी व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां जीवन की तय कर सकता है। एक चीज ये होती है कि ये हमने सीखा है अभ्यास से। मैं मानता हूं पूरा जीवन अभ्यास है हमारा, हमारे सोचने के, देखने के, बोलने के, सब कुछ, एवरीथिंग इज कॉल्ड प्रैक्टिस, अभ्यास। तो हमने अभ्यास ऐसा बनाया हुआ है कि जब हम रात को सोते हैं तो अपने ब्रेन को ऑर्डर कर देते हैं, अब चुप हो जा। तो हमें एक सेकंड में कहें या एक मिनट में कहीं नींद आ जाती, वेट नहीं करना पड़ता हमको। हम कहीं से भी अपने आप को विड्रॉ करना हमने सीखा है कि जैसे कई बार हम बात अग्रेशन में भी होते हैं लेकिन तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसी 2-3 चीजें हमने सीख रखी हैं, प्रैक्टिस की है।